हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय विजय पोरवाल। वेलकम टू स्टडी खजाना। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और हर साल कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा तो मेरे इम्प्रूव होने से मेरे सारे स्टूडेंट्स इम्प्रूव करेंगे, और जब वो इम्प्रूव करेंगे तो अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स निकलेंगे और हमारे देश के विकास में योगदान देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में खूब सुना हुआ। तो काइनेमेटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं, जिस चीज़ की स्टडी करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, हम इन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक डिस्टेंस से। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया? डिस्टेंस क्या होता है? आप सभी जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि बॉडी जो भी पाथ कवर करती है उसकी एक्चुअल लंबाई है, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी है ना, मालूम सभी को जी। और दोस्तों, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमने पाथ कवर किया है उसका इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अच्छा भी, बहुत बढ़िया बात। ये तो डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो हमने पाथ कवर किया उसका इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की एक्चुअल दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बात आप सभी को मालूम है। तो अगर हम सभी को ये बात मालूम है तो चलिए इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आता है, एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है ऐसे करके, है ना, और मान लो सपोज करो ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट है पी और ये मान लो फाइनल पॉइंट है क्यू, और मान लो इस सर्कमफेरेंस का रेडियस सपोज करो आर। आपसे कहते हैं कि भैया पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस निकालो। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कर देंगे। तो बिल्कुल करते हैं, लाइए। अगर हम पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस निकालें तो मुझे इस पाथ की एक्चुअल लंबाई चाहिए। बॉडी ऐसे चल रही है, अगर मुझे इस पाथ की एक्चुअल लंबाई चाहिए तो इसकी लंबाई कैसे निकालें? हाँ, हमें पता है कि पूरे सर्कमफ्रेंस की लंबाई 2πr होती है, और ये जो पूरी हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक का, ये पूरी लंबाई का 1/4 है भाई। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास पाई आर अपॉन में 2, राइट। ये तो डिस्टेंस आ गया। अच्छा दोस्तों, अगर हमसे बोलें कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का? पी से लेके क्यू तक का। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भाई? इनिशियल पॉइंट हमारा ये रहा, फाइनल पॉइंट हमारा ये रहा। अगर यहां पर एक सीधी लाइन खींच दें तो इस लाइन की जो लंबाई आएगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें यार, क्या करें इसको निकालने के लिए, क्या करें? अरे हमने पाइथागोरस सीखी है ना भाई। हमने पाइथागोरस क्यों सीखी है? पाइथागोरस इसलिए सीखी है कि आज इसका हम यूज करें और हम लोग ये पी से लेके क्यू तक की दूरी निकालें भाई। तो चलो पाइथागोरस लगाते हैं। अगर ये दूरी r है तो ये दूरी भी कितनी होगी भाई? r होगी। अब ये दूरी r होगी, ये दूरी r होगी, तो अगर हम इसकी पाइथागोरस से लंबाई निकालें तो यह आएगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, हमारे पास आएगा अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, मतलब ये आ गया r रूट 2। ओहो, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, तो सीबीएसई लेवल का है, और हम लोग तो सर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम हमारा 5 मई को है। तो कोई बात दोस्तों, ये तो एक क्वेश्चन था ताकि हम लोग थोड़ा वार्म अप हो जाएं।
अब चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अपने मेडिकल के लेवल का हुआ, बढ़िया लेवल का हुआ। आइए तो अगर हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करें, मान लो सर्कल ही लेते हैं चलो, है ना, क्योंकि सर्कल से हम लोगों को बहुत प्यार है, क्योंकि हमें घूमने बहुत मजा आता है ऐसे करके, तो हमने ये सर्कल ले लिया। मान लो बॉडी सपोज करो कि पी पॉइंट से चलती है, पी पॉइंट से चलती है, सर्कल का रेडियस मान लो आर ही है, और मान लो बॉडी पी पॉइंट से बॉडी क्यू पॉइंट तक पहुंच गई। जब बॉडी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंच गई तो मान लो बॉडी ने जो यहां से लेके यहां तक एंगल ट्रेस किया, सपोज करो ये एंगल है थीटा। अब उसे बोलते हैं भैया पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। अब अगर मुझे पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे तो ये लंबाई निकालनी पड़ेगी ना भैया, ये लंबाई निकालनी पड़ेगी उस मुझे। ये लंबाई कैसे निकालें पी से क्यू, क्योंकि पिछले केस में तो हमने पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 कर दिया था, अब ये तो थीटा एंगल है, अब ये लंबाई कैसे निकालें। ध्यान से देखिए पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में जब हमने डिस्टेंस निकाला था तो पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 किया था और हमारा रिजल्ट आया था, आपको याद होगा, पाई बाय 2 इनटू में आर। क्या हमारा रिजल्ट यही आया था? तो यस डेफिनेटली हमारा रिजल्ट यही आया था, लेकिन अब तो हमारा रिजल्ट ये नहीं आएगा। पर ध्यान से अगर देखो तो ये जो पाई बाय 2 था ये क्या था, जो पिछले क्वेश्चन में बॉडी ने पी पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया था, वहां तक का एंगल। इसका मतलब हुआ कि यहां पर तो आएगा एंगल और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियस से, और जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे इस सर्कमफ्रेंस की लंबाई मालूम चल जाएगी। ओहो ये तो बहुत सिंपल तरीका भी। तो जब भी आपको बॉडी सर्कमफ्रेंस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में चलती है आपने उसका डिस्टेंस निकालना है, तो जितना बॉडी ने एंगल कवर किया है उसको रेडियस से अगर हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस कवर जाएगा। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड पी से लेके क्यू तक का इन दिस क्वेश्चन। अच्छा अगर आपसे कोई बोले कि भाई इसी क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए तो मुझे ये लंबाई निकालनी पड़ेगी ना, ये लंबाई निकालनी पड़ेगी दोस्तों, ये लंबाई। अब अगर मुझे ये लंबाई निकालनी है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, एक्चुअली जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं ना उनका मैथ्स में कई बार थोड़ा हाथ तंग होता है यार, और मैथ्स को लेके एग्जामिनर आपके साथ ना आपकी इमोशन से खेलता है। कैसे खेलता है? हमको लगता है यार कि ये डिस्टेंस आ रहा है भाई, तो ये डिस्टेंस भी आ रहा होगा, और कुछ कुछ हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी आ जैसे ही लग रहा है ना, तो हमको लगता है ये एंगल 60 डिग्री का, क्वेश्चन खत्म कर देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है यार, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा फोकस करके देखें तो डिस्टेंस आर नहीं है। ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चन में भी, जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ये दूरी आर थी, ये दूरी आर थी, लेकिन ये दूरी कितनी आई थी हमारी, आर रूट टू। इसका मतलब इसके अंदर भी ये दूरी आर है, ये दूरी आर है, तो जरूरी नहीं कि दूरी आर आए, ये दूरी कुछ भी हो सकती है, वो हमें निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए क्या करें भाई, किस कॉन्सेप्ट का यूज करें, इसमें थोड़ी सी मैस लानी पड़ेगी जी, तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। अच्छा वैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जब लोग तैयारी कर रहे हैं थोड़ा मन में डर तो होगा ना, और डर हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आप लोग ही तो बोलते हैं डर के आगे जीत है ना। तो चलो डर को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये दूरी पी क्यू निकालनी है, पी क्यू निकालनी है तो क्या करें। अच्छा ये आर है, ये आर है, मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल बन रहा है, दो साइड्स बराबर है, तो अगर बिल्कुल सेंटर से यहां से इसके बाइसेक्टर पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो जो परपेंडिकुलर होगा इस पूरी साइड को बाइसेक्ट कर देगा, ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर है ना। अच्छा दोस्तों अब ये दूरी आर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये आधा एंगल बन गया हमारा थीटा बाय 2 है ना। अच्छा ये एंगल थीटा बाय 2 बन गया, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो मुझे इस क्वेश्चन में ये चीज निकालनी है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, मतलब हम लगाएंगे फार्मूला साइन थीटा बाय 2। तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया पी एन अपॉन में हाइपोटेन्यूज,
और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास है आर। तो क्या हमें पीएन मिल गया भाई? यस, हमें पीएन मिल गया। हमें जो पीएन मिल गया वो बराबर मिल गया आर साइन थीटा बाय टू। अब अगर ये साइड इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये लंबाई पी एन आर साइन थीटा बाय टू है, तो ये भी कितनी होगी? आर साइन थीटा बाय टू। इसका मतलब जो पूरी लंबाई पी क्यू है, जो पूरी लंबाई पी क्यू है, ये हमें मिल जाएगी टू आर साइन थीटा बाय टू। ये मिल गई जी। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे बढ़िया क्वेश्चन हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मन में हमारे डर आता है, क्योंकि हम लोग सोचते तो बहुत हैं पर फिजिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम करते हैं यार, है ना। तो आज सब सोचना का हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक उठाइए, अपना पेन उठाइए और मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन करें। और यकीन मानिए कि अगर आप क्वेश्चन मेरे बराबर टाइम में कर रहे हैं, मेरे से कम टाइम में कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है जी। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं डाउट है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7838056421। और दोस्तों मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं विजय पोरवाल। स्टूडेंट्स मुझे प्यार से पोरवाल सर भी बोलते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये तो हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भाई, चलिए हम बात करते हैं पहले वेलोसिटी के बारे में, है ना। वेलोसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आप सभी को मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है ना। डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाती है यार, डेफिनेशन तो वही रहती है जो पढ़ी होती है ना। तो उस पर टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन तो कौन लेती है? टेंशन तो रस्सी लेती है भाई, है ना, पढ़ा ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अच्छा अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, है ना। अच्छा अगर हम लोग इस वेलोसिटी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हमें मेडिकल की तैयारी करनी है यार, और ये लेक्चर मेरा जेईई मेन के अंदर भी काम आएगा, एडवांस में भी काम आएगा। तो वेलोसिटी को हमने दो कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। वेलोसिटी में एक वेलोसिटी को तो बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, है ना, और एक को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। अच्छा दोस्तों दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही वेलोसिटी के पार्ट हैं, एक को हमने एवरेज नाम दे दिया और एक को हमने इंस्टेंटेनियस नाम दे दिया, है ना। एक घर के दो भाई हैं, एक राम और श्याम, दोनों की शक्ल एक जैसी हैं, पर दोनों में कुछ तो अंतर हो सकता ना भाई। अच्छा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फर्क है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा भाई एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आप बोलेंगे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, दोनों का डेफिनेशन तो आपने एक ही लिखी है, लेकिन हमने कुछ और पढ़ रखा है। तो दोस्तों दोनों का डेफिनेशन तो एक ही होगी कि दोनों वेलोसिटी हैं, दोनों भाई हैं, है ना, दोनों में खून तो एक ही होगा, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम सेम आएगा। लेकिन फर्क क्या हुआ और कैसा फर्क हुआ, चलो उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इसको समझे हम लोग, तो अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक बॉडी इस तरह के पाथ पे चल रही है, ठीक है, कैसा भी पाथ हो सकता है। मान लो सपोज करो कि ये कोई पॉइंट मान लो ए है, ये कोई पॉइंट मान लो बी है, ये कोई पॉइंट मान लो सी है, ये कोई पॉइंट मान लो डी है, राइट। आपसे कहते हैं कि आपने ए से लेके बी तक का एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? अगर आपने ए से लेके बी तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ए से लेके बी तक का क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, क्या बोलते हो? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक एक सीधी लाइन खींच दो। खिंच गया सीधी लाइन ही तो एकदम सीधी आई है ना।
तो ए से लेके बी तक की जो लंबाई होगी इसे तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखा मैंने डेल्टा एक्स। और जितने टाइम में बॉडी यहां से लेके यहां तक पहुंची है अगर हम उसको डिवाइड कर दें टाइम से, तो मुझे ए से लेके बी तक की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी भैया, मिल गई। अच्छा अब आपसे कहते हैं आपको सिर्फ बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी, सिर्फ बी पॉइंट की। यार ये कैसे निकाले बी पॉइंट की वेलोसिटी, ये तो पॉइंट ही एक है। अगर ये क्वेश्चन कोई मुझसे पूछेगी भाई बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालो, मैं तो बोलूंगा भैया इसका तो आंसर जीरो है। तो आप पूछेंगे क्यों, तो बिल्कुल सही है, बताता हूं मैं क्यों। जो मेरा थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग कहती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो पॉइंट होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल। और यहां पर तो मुझे वेलोसिटी सिर्फ एक पॉइंट की निकालनी है भाई, एक पॉइंट में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, आपके जेक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना पड़ता है और आंसर भी आता है। तो इसका मतलब कि ए से लेके बी तक की जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली और बी पॉइंट की जो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, तो बी पॉइंट की अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि अगर मुझे सिर्फ बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो हमसे ये पूछा गया है कि बी पॉइंट के जस्ट पहले एक छोटी सी कोई एक पॉइंट ले लें और बी पॉइंट के जस्ट बाद भी एक पॉइंट ले लें। ये पॉइंट बहुत क्लोज होनी चाहिए, बहुत क्लोज, मतलब इतू सा डिस्टेंस, कितू सा, इतू सा भाई, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत बहुत छोटा हुआ और टाइम इंटरवल बहुत छोटा हुआ, तो अपने पढ़ा हुआ है कि अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और उसमें जो लिमिट हो डेल्टा टी की वो टेंस टू जीरो हो, मतलब बहुत बहुत छोटा कि नजर ही ना आ रहा हो, तो उसे हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी और ये कहलाएगी बी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखा दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टाइम, लेकिन फिर भी राम और श्याम में फर्क तो है ना भाई। अगर हम बात करते हैं एवरेज के बारे में तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिव होगा, आपको नजर आएगा, आपको टाइम इंटरवल गिवन होगा, आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तो आप निकाल पाएंगे। और अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो एक सिंगल पॉइंट दे रखा हुआ, एक सिंगल टाइम दे रखा हुआ, और उस सिंगल टाइम में आप जो निकालोगे वेलोसिटी, वो कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी इसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझे, अंडरस्टैंड भाई, नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए और आगे बात करते हैं। तो B पॉइंट की जो मैंने वेलोसिटी निकाली है, सिर्फ B पॉइंट की, वो तो इंस्टेंटेनियस है, और जो मैंने A से लेके B तक की वेलोसिटी निकाली है वो एवरेज है ना, क्योंकि उसमें इफेक्टिव डिस्टेंस नजर आ रहा है, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, और A B पॉइंट हमारा एक सिंगल पॉइंट है, तो वो हमारे लिए कैसे कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे A से लेके D तक की वेलोसिटी निकालनी है, तो दोस्तों क्या हुआ, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल सही जवाब, तो ये हुआ एवरेज। और अगर सिर्फ D पॉइंट का निकालना है, सिर्फ D पॉइंट का, तो कौन सी होगी, बिल्कुल सही जवाब, तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस। अच्छा दोस्तों, तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा फार्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा चेंज इन पोजीशन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अपॉन में टाइम। और अगर मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला बन जाएगा मेरा डीएक्स बाई डी टी, और डीएक्स बाई डी टी मतलब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई सॉरी तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस। अच्छा बताएं, एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी वेरिएबल है, एवरेज कांस्टेंट है या इंस्टेंटेनियस कांस्टेंट है, या दोनों में से कौन वेरिएबल है, तो क्या आपका आंसर होगा जी, बताइए अपना आंसर। चलो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस के बारे में, तो इंस्टेंटेनियस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, इंस्टेंटेनियस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो इतना सा, बिल्कुल छोटा, इतू सा है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हुआ, तो बॉडी को अपनी वेलोसिटी चेंज करने में टाइम ही नहीं मिलेगा, और जब वेलोसिटी को चेंज करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, वो कैसी वेलोसिटी है,
इट इज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म रहती है। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी के बारे में तो टाइम इंटरवल इफेक्टिव है, आपको दो पॉइंट के बीच का गैप नजर आ रहा है, तो इस गैप में बॉडी की मर्जी है कि वो यूनिफॉर्मली चले या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चले। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। प्लीज नोट दैट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, कि एवरेज वेलोसिटी मे बी यूनिफॉर्म और मे बी नॉन यूनिफॉर्म, डिपेंड करता है ना, अभी बॉडी चल रही थी, कुत्ता पीछे पड़ गया, भगना पड़ गया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस होगी उसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा हुआ, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ, तो ये कैसे रहेगी, ये रहेगी कॉन्स्टेंट। दोनों पॉइंट क्लियर आई थिंक, है ना। चलो थोड़ा सा अपन लोग एक बार बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में भी, है ना। चलो स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। हम चलो अगर उसी तरह का एक पाथ ले लें दोस्तों, कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, है ना, और मुझे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आएगा वो तो इस वाले पाथ की लंबाई होगी ना दोस्तों, जबकि ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। तो जो ए से लेके बी तक का, जो ए से लेके बी तक का हमारा डिस्टेंस आया था वो यहां से लेके यहां तक की लंबाई आई थी, है ना। तो ए से लेके बी तक की लंबाई आई थी वो, तो और ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लंबाई होगी वो तो इस शॉर्टेस्ट लंबाई से बड़ी होगी भाई। इसका मतलब डिस्टेंस अगर हम ए से लेके बी तक की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और अगर हम ए से लेके बी तक की एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो दोनों बराबर बराबर होंगी, अलग अलग होंगी, तो नेचुरल अभी ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है और ए बी की लंबाई उससे बड़ी होगी, तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी, ज्यादा आएगी किससे, एवरेज वेलोसिटी से। तो ए से लेके बी तक की एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी ये लंबाई पूरी की पूरी, और अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट तो मैं स्केल से ये लंबाई को मेजर कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी हम एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे वो अलग आएगी, एवरेज स्पीड जो निकालेंगे अलग आएगी। अच्छा दोस्तों ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे निकाले यार, इसको तो स्केल से मेजर ही नहीं कर पाएंगे, ये तो कर्ण सा हो गया ना। मेरे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इसमें हम लोग ना धागा लगा देंगे, तो मैं उनको बोलता हूँ उनको धागा तो लगा दो, वैसे उसको थूक से चिपकाना भी तो पड़ेगा भाई, थूक लगाओगे तभी तो चिपकेगा वरना उड़ जाएगा हवा में। तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना, कंपास खोलें, पेंसिल लगाएं, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर लगभग खोलें, और ऐसे करके 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे करते चले जाएं, और जितने सेंटीमीटर यहाँ पर लग जाएं उतने सेंटीमीटर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, तो इस वाले केस में स्पीड ज़्यादा आएगी और वेलोसिटी कैसे आएगी, कम आएगी। अच्छा एक बात, स्पीड अलग आई है वेलोसिटी अलग आई है, तो क्या हर बार स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो जवाब है नहीं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बराबर कब होंगे, जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलेगी और टर्न नहीं करेगी, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे टाइम भी सेम हुआ, तो उस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर आएंगे। इसके अलावा कोई भी पाथ हुआ, कट पाथ होगा, बॉडी टर्न करेगी, तो उस वाले केस में स्पीड ज्यादा आएगी और वेलोसिटी कम आएगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि एवरेज स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है एवरेज के और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से वेलोसिटी के दो पार्ट थे दोस्तों, उसी प्रकार से स्पीड के भी दो पार्ट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड जो हमने निकाली, और एवरेज स्पीड का मतलब जिसमें डिस्टेंस आपको इफेक्टिव नजर आई है, जो डिस्टेंस आपको इफेक्टिव नजर आ रहा है वो, और अगर हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड,
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका सेम है जो हमने पिछले केस में निकाला एवरेज वेलोसिटी केस में, कि जिस वाले पॉइंट की, मान लो सी पॉइंट की, आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। इसके जस्ट पहले एक पॉइंट लें, जस्ट एक बाद एक पॉइंट लें, बीच का गैप कैसा हो, इतू सा, बहुत छोटा सा, है ना। और जो हम इसे यहां से लेके यहां तक की स्पीड निकालेंगे वो कहलाएगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, हमने पढ़ा कि जो एवरेज वेलोसिटी है दोस्तों और जो एवरेज स्पीड है, दे मे और मे नॉट बी इक्वल, है ना। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, तो बोथ आर इक्वल और डिफरेंट, और मे नॉट बी सेम। क्या आंसर आपका, बताइए, जवाब दे। तो देखो, अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हमने पॉइंट बहुत क्लोज लेने हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो पॉइंट बहुत क्लोज लेने हैं, तो दोनों के निकालने का तरीका सेम है। अगर दोनों के निकालने का तरीका सेम है तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड आएंगे, जो वैल्यूज आएंगे, एग्जैक्टली सेम आएंगे दोस्तों। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फर्क ये है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्या बोलते हो, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और आपने मेरे इस लेक्चर को रिवाइज भी करना है, देखना है बार बार, क्योंकि अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका जो कंसेप्ट्स हैं एकदम क्लियर हो जाएंगे जी। और जैसे कि आपको मालूम है कि अब हमारे और जो हमारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, लगभग लगभग दोस्तों 75 दिन के आसपास रह गए हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन 75 डेज के अंदर आपकी फिजिक्स को और बढ़िया और बेटर इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा उतर सकें। आइए चलो एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक सिंपल सी फिर एक बढ़िया प्रॉब्लम लेंगे, है ना। तो पहले एक सिंपल प्रॉब्लम और उसके बाद एक बढ़िया प्रॉब्लम, क्या बोलते हो, करें शुरू क्या, ला चलो शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल प्रॉब्लम, आपने भी करना साथ साथ मेरे विद मी। मान लो एक बॉडी है, पी पॉइंट से शुरू करती है, क्यू पॉइंट तक पहुंचती है, पी से शुरू करती है, क्यू तक पहुंचती है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। मान लो बॉडी जब जा रही है तो इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है। बॉडी क्यू पर पहुंची, इसको मजा नहीं आया, कहता यार मजा नहीं आया, चलो वापस चलते हैं घर पे। बॉडी बैक करती है, बॉडी फिर बैक करके ऐसे करके जाती है, चलते भी तो मान लो पीछे कुत्ता पड़ गया भाई साहब इसके, तो इसके अपनी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर कर ली और बॉडी द्वारा से पी पॉइंट पर पहुंची। आपसे कहते हैं पी से लेके क्यू तक की, पी से लेके क्यू और क्यू से लेके पी, मतलब पूरे राउंड पाथ के लिए, पूरे राउंड पाथ के लिए आपने कैलकुलेट करना है। एक तो कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड दोस्तों, और एक कैलकुलेट करनी है आपने एवरेज वेलोसिटी, राइट। सबसे पहले अपन बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल। वेयर इज द इनिशियल, इनिशियल इज दिस, वेयर इज द फाइनल, 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 ओ माई गॉड, फाइनल अगेन सेम। इफ इनिशियल पॉइंट इज सेम, फाइनल पॉइंट इज सेम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो टाइम दोस्तों कुछ भी लगाओ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, है ना। आपका आंसर भी ये था ना, श्योर, ओके। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। अब दोस्तों जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं तो कई स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन होता है, कहते हैं यार ये 20 है, ये 40 है, क्या सिंपल है, तो 20 में 40 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 30। दोस्तों इसी समय एग्जामिनर जो आपका पेपर सेट करता है ना क्वेश्चन, वो भी आपके इमोशन के साथ खेलता है। आपने सोचा आंसर 30, पहला ऑप्शन भी 30, आपने सोचा, उसने सोचा, दोनों बिल्कुल सेम मैच कर गए, तो मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, कहते हैं मजा आ गया आज तो, यार आज तो दिन बन गया मेरा, है ना। लेकिन दोस्तों ये मिसकॉन्सेप्ट कंसेप्ट नहीं है, है ना, क्योंकि ये हम एवरेज निकालने हैं, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा ना दोस्तों, क्या है एवरेज स्पीड का फार्मूला दोस्तों हमारा है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, ये तो फॉर्मूला है दोस्तों।
डिस्टेंस कितना लें, डिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। मैंने माना कि जब बॉडी पी से क्यू पर गई तो बॉडी ने एस डिस्टेंस कवर किया, और जब बॉडी पी से क्यू से, क्यू से पी पर वापस आई तो भी बॉडी ने एस डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब बॉडी ने कुल मिला के जो डिस्टेंस कवर किया वो एस प्लस एस कितना होता है, वो पहले भी 2s था भाई, आज भी 2s ही है, अभी मैथ इतनी चेंज नहीं हुई, तो 2s ही रहेगा। और टाइम, अच्छा जाते वक्त इसकी स्पीड है 20 है ना, तो जाते वक्त का टाइम कितना हुआ, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब s अपॉन में 20, और आते वक्त तो हुआ s अपॉन में 40, और इसको अगर हम s कॉमन लेके कैंसिल कर दें और कैलकुलेट कर लें तो लगभग हमारा आंसर आएगा 80/3, बोले तो 26.67 किलोमीटर पर आवर, देखा, और हम अपना ऑप्शन लगा रहे 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आपने इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं बातों से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, जिसे हम सिली मिस्टेक बोलते हैं। ये मिस्टेक्स हम एग्जाम से बाहर आके पता चलती हैं, जब हम लोग गोलगप्पा खाते हैं ना और गोलगप्पा नीचे गिर जाता है तब पता चलता है कि यार तो मिस्टेक हो गई हमसे। तो ठीक है दोस्तों, चलो एक, जैसे मैं बता रहा था कि एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, चलो एक बढ़िया एग्जाम्पल लें। अगर दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल लें हम लोग, मान लो सपोज करो एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, सीधा चल रही है, और आपको पता है जब बॉडी सीधा चलती है ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। तो अगर मैं स्पीड में वेलोसिटी या वेलोसिटी में स्पीड बोल जाऊँ ना, तो इस क्वेश्चन में कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, और वैसे भी टेंशन तो अपने लेने का नहीं ना, कोई टेंशन लेती कौन है, रस्सी। चलिए, क्वेश्चन वाला एग्जामिनर बोल रहा है आपसे, एक बॉडी चल रही है स्ट्रेट पाथ में, और पहले हाफ डिस्टेंस में, पहले हाफ डिस्टेंस में उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, पहले हाफ में। अगर पूरे को अपन लोग 2s मान लें तो पहले हाफ का मतलब हो गया s। फिर वो कहता है कि रिमेनिंग हाफ में, किसमें, रिमेनिंग हाफ में हाफ टाइम के लिए, सुना, रिमेनिंग टाइम में हाफ टाइम के लिए, रिमेनिंग पोर्शन में, सॉरी रिमेनिंग पोर्शन में हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम मतलब टी बाय टू के लिए, उसकी वेलोसिटी है 6 किलोमीटर पर आवर, और जो पोर्शन बच गया है वो टाइम भी हाफ रह गया है, उसमें वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। वंस अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रही है, मैंने पूरी डिस्टेंस को 2s मान लिया, एग्जामिनर बोलता है कि पहले हाफ डिस्टेंस के लिए, पहले फर्स्ट हाफ के लिए उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और दोस्तों जो रिमेनिंग हाफ रह गया है उसमें हाफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी 6 है, और रिमेनिंग हाफ टाइम में उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है। आपसे कहता है कि आपने निकालनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, क्योंकि दोनों सेम आएंगे इस वाले केस में, आएंगे या नहीं आएंगे बोलो, तो बिल्कुल आएंगे जी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें यार, ये कैसे करें, तो यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, युग क्या भाई, ये तो जटिल क्वेश्चन आ गया, कैसे करें सॉल्व इसको। तो चलो कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना हम, है ना। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, चलो एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का दोस्तों फार्मूला हमारा होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये तो था भाई राइट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास हो गया 2s, है ना, और टाइम यहां से लेके यहां तक का टाइम तो मैंने पता ही है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास s है और स्पीड 5 है, तो ये यहां से लेके यहां तक का टाइम आ गया, और यहां से लेके यहां तक का टाइम t/2 हमारे पास t हो गया। तो दोस्तों अगर हमने ये t निकाल दिया ना तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, है ना। चलो t निकालते, कैसे निकालते, चलो t सीखते हैं। अगर हम इस t को निकालें तो देखो, इतने डिस्टेंस को मैंने s1 माना, तो s1 कितना होगा भाई, 6 इंटू में t/2, है ना, इसका मतलब। और अगर हम s2 निकालें तो s2 हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू में t/2, राइट, और अगर s1 में s2 जोड़ दें तो s बन जाएगा, तो s मुझे मिल जाएगा 6 4 10
टी बाय टू, टू फाइव जा टेन, ओ माई गॉड। तो अगर ध्यान से देखें तो एस बराबर आ गया फाइव टी, तो मुझे चाहिए टी, तो टी अगर हम यहां से निकालेंगे तो मुझे यहां से टी क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहां से जो टी मिलेगा वो मिल जाएगा, ध्यान से अगर देखें तो एस अपॉन में फाइव मुझे मिल जाएगा टी। तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं इस टी के हम लोग, तो हमें वैल्यू मिलेगी दोस्तों, हमें वैल्यू मिलेगी 2s अपॉन में s बाय फाइव, और जो मैंने यहां से t की वैल्यू निकाली वो भी कितनी आई s बाय फाइव, s से s कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन में 1 बाय फाइव, 1 बाय फाइव, 2 बाय फाइव, फाइव पहुंच जाएगा ऊपर, दो ने दो को मार गिराया, आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। देखा दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे बिल्कुल क्लियर होंगे, विजन हमारा बिल्कुल क्लियर होगा, तो हमारा आंसर ठीक होगा ही होगा, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है और आपका भी ऐसा मानना होना चाहिए दोस्तों, क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आप, मैं जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं कुछ समझे आ रहे होंगे और साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके मन का कॉन्फिडेंस भी लगातार लगातार बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की स्पीड की दो कैटेगरी थी, हमने वो भी डिस्कस कर ली। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये है, आपसे बोलते हैं, आपको देखा क्वेश्चन में कि एक्स बराबर है, एक्स यहाँ पर पोजिशन है, बराबर आपको देते हैं कि मान लो ये है 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस में 6, मान लो ये क्वेश्चन है दोस्तों 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6 है ना, और आपसे कहते हैं दोस्तों कि आपने इसमें क्वेश्चन में कहते हैं कि 0 से लेके 3 सेकंड्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले दो चीजें निकालते हैं और फिर इसी क्वेश्चन में हम कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेशन हमारी ये रही। सबसे पहले अगर डिस्टेंस निकालना है 0 से लेकर 3 सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखना सभी लोग, सॉरी अगर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट तो हमें चाहिए दोस्तों इनिशियल पोजीशन और फाइनल, क्योंकि इनिशियल से लेकर फाइनल का शॉर्टेस्ट दूरी को तो बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, जो कि सीधी लाइन आती है ना। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन निकाल लें, एक्स इनिशियल निकाल लें जब टाइम हमारा 0 सेकंड है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 6, और अगर हम निकालें एक्स फाइनल जब टाइम हमारा 3 सेकंड है, तो दोस्तों वो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 दुनिया 18 माइनस 18 तिया 18 थीजा सॉरी 8 थीजा 24 आठ तिया 24 और प्लस में 6, ये आएगा 18 और 6 24, ये भी 24 और ये भी 24, सही कैलकुलेशन देखेंगे, चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 दुनिया 18 बिल्कुल ठीक है, आरती है 24 बिल्कुल ठीक है, 6 बिल्कुल ठीक है, तो फाइनल पोजीशन आ गई दोस्तों 0। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इनिशियली जब टाइम 0 है, ये मान लो x 0 है और ये मान लो x जो हमारे पास है वो है 6, तो जब टाइम 0 है तो बॉडी 6 पर यहां पर है, जब टाइम हमारे पास 3 सेकंड है तो बॉडी यहां पर है, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट लंबाई होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास 6 और टाइम कितना है 3, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन दोस्तों अगर मुझे इसी बीच की गैप, इसी गैप के बीच में स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड,
तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं? स्ट्रेट पाते बराबर होते हैं लेकिन टर्न ना हो। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्या इसको देख के बता सकते हो कि बॉडी टर्न करेगी या नहीं करेगी, हाँ या ना? तो आपको मैं एक बहुत सिंपल पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक हो और टी स्क्वायर और टी के साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट समझते हो ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बॉडी टर्न करेगी, और बॉडी टर्न करेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आएंगे। और बॉडी कहां से टर्न करेगी? बॉडी वहां से टर्न करेगी जहां वेलोसिटी जीरो होती है। चलो चेक करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमारी इक्वेशन है दोस्तों 2t² - 8t + 6। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने का तरीका आपको पता है, dx/dt दैट इज इक्वल्स टू 4t - 8। ये वेलोसिटी बन गई दोस्तों। ये वेलोसिटी जीरो कब होगी देख लेते हैं। ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी 4t - 8 = 0, तो t बराबर आ गया 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो होगी। और 2 सेकंड पर वेलोसिटी अगर जीरो होगी भाई, तो 2 सेकंड पर बॉडी पलटी मारेगी। क्या मारेगी? पलटी, कहानी में ट्विस्ट। और अगर पलटी मारेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर बराबर नहीं आएंगे, अलग आएंगे। चलो चेक करते हैं कितने अलग आएंगे। तो अगर हम लोगों ने इसकी इनिशियल पोजीशन आई थी तो हमारे पास कितनी आई थी? 6, फाइनल आई थी 0। और 2 सेकंड बॉडी पलटी मार रही है, तो जब टाइम 2 सेकंड होगा तो बॉडी कहाँ पर होगी, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो 2 * 4, 4 * 8, 8 * 16 प्लस में 6, 8 * 14, तो ये आया -2। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी इनिशियली जो है वो यहाँ पर है, यहाँ से चलती है, यहाँ से चलते 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 -2 पर पहुँचती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बॉडी का जी खराब होता है, बॉडी उल्टी करती है, वो वाली उल्टी नहीं करती है भाई, मजाक कर रहा हूँ, बॉडी पलटी मारती है, टर्न करती है और बॉडी दोबारा से पहुँच जाती है यहाँ पर। तो बॉडी का एक्चुअल पाथ कवर्ड हो गया दोस्तों, ये बॉडी का एक्चुअल पाथ कवर्ड है। और एक्चुअल पाथ कवर्ड की लंबाई अगर हम देखें तो 6 यहां तक होगी, 2 यहां तक होगी, 8 और 8 और 10, मतलब बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है दोस्तों, वो किया है उसने 10 मीटर। कितने सेकंड में? इन द सेम टाइम इंटरवल। व्हाट इज द टाइम इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन? द टाइम इंटरवल इज 0 - 3 सेकंड, तो टाइम इज 3 सेकंड एंड द आंसर इज 3.34 लगभग मीटर पर सेकंड। तो देखो, अच्छा लगा क्वेश्चन? और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो बॉडी ने एक जगह पलटी मारी है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें बॉडी 2 बार पलटी मारती है। तो बॉडी एक बार पलटी मारेगी या बॉडी 2 बार पलटी मारेगी, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। लेकिन दोस्तों, आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको कोई डाउट हो, आप मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं 7838056421। मैं आपका टीचर विजय पोरवाल। थैंक्स।